हेलो गाइज, मैं आपका भाई सुनील डूडी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आए हुए हैं महिंद्रा एजेंसी में और आज रिव्यू करते हैं महिंद्रा 275 DI जो कंपनी फिटेड लोडर आता है इसमें। और हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये इसका लोडर है और इसके यहाँ पर एक सिलेंडर दिया हुआ है और एक सिलेंडर उस साइड में दिया हुआ है। तो इसको ऐसे नीचे की साइड में करने के लिए और ये ऊपर उठाता है और नीचे करने के लिए दो सिलेंडर यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये ट्रैक्टर का आगे यहाँ पर ये बड़ी जाली दी हुई है और महिंद्रा का लोगो दिया हुआ है। और इसमें आगे के टायर की बात करें तो इसमें ये देखिए 616 के टायर आते हैं और ये महिंद्रा 275 DI XP ट्रैक्टर है। और इसमें ये वर्ल्ड कंपनी का लोडर लगा हुआ है और एक सिलेंडर यहाँ पर और एक सिलेंडर उस साइड में दिया हुआ है। और इसमें बोस कंपनी का इनलाइन पंप दिया हुआ है, 3 सिलेंडर पंप दिया हुआ है। और ये पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है और फ्रंट एक्सल इसका नॉन एडजस्टेबल है। और यहाँ पे इसकी सेल्फ दी हुई है, साथ में इसमें यहाँ पे बैटरी दी हुई है अमेज़न कंपनी की। और भूमिपुत्र है ये और इसमें 6 ईयर की वारंटी दी हुई है। और ये यहाँ पर इसका डीजल टैंक दिया हुआ है जो 45 लीटर की कैपेसिटी है। और यहाँ पे इसके हेड लैंप दिया हुआ है और ये एयर क्लीनर है और साइलेंसर वही जो महिंद्रा में आता है वही साइलेंसर है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। यहाँ पे फुट रेस्ट नहीं है क्योंकि ये लोडर फिट है इसलिए। और इसका व्यू कुछ इस तरह से आता है, ड्राइवर व्यू। और यहाँ पे इसके ये लोडर के लिए दिया हुआ है और ये साइड मिरर दिया हुआ है और ये इसका हैंड एक्सीलेटर दिया हुआ है और इसका फुट रेस्ट एक्सीलेटर यहाँ पर दिया हुआ है। और ये देखिए डिजिटल मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर महिंद्रा का लोगो दिया हुआ है। और इसमें सेंटर गेयर दिया हुआ है और ये यहाँ पर PTO का लेवल दिया हुआ है। और इसमें ऑयल एम्प्रेसड ब्रेक आते हैं और बहुत ही बढ़िया कल्च दी हुई है। और हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है और इसके पीछे के टायर की बात करें तो 13/6/28 के पीछे के टायर है। और बैक साइड में आते हैं तो यहाँ पर ये इसकी एडजस्टेबल सीट है, इसको आप यहाँ तक कर सकते हो, आगे वहाँ तक कर सकते हो। ये टूल बॉक्स दिया हुआ है और इसकी 1600 kg लिफ्ट कैपेसिटी होती है। ये देखिए और ये पीछे लैंप दिया हुआ है और ये इसमें लोडर लगा है इसलिए ये वेट के लिए दिया हुआ है। इसमें बजरी वगैरह कंक्रीट डाल लेते हैं वेट बढ़ाने के लिए। और ये इस साइड में आते हैं तो कुछ इस तरह से इसकी पाइपें दी हुई है लोडर के लिए। और यहाँ पर ये ड्यूल पंप दिया हुआ है और ये लोडर के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। और इसकी कीमत ऑन रोड कंप्लीट लोडर के साथ बिल्कुल ऐसा आपको ऑन रोड पड़ता है 8,50,000 के करीब है। और बाकी आपके जो भी स्टेट हो वहाँ पर कम ज़्यादा होते रहते हैं स्टेट के हिसाब से। और भैया अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कमेंट करके आप बताना कि आपको किस ट्रैक्टर पे वीडियो चाहिए,
वैसी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी। और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। और ठीक है भाइयों, थैंक यू, धन्यवाद।